सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बीसी चैनल को, साथ ही साथ बेल का ऑप्शन खुल रहा है, बेल का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ताकि टेक्निकल से जुड़ी वीडियो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल बीसी चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह पीसी जैसा वॉइस टैग अपने मोबाइल से बना सकते हो। बिल्कुल हाँ, अपने मोबाइल से वॉइस टैग बना सकते हो पीसी जैसा। बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने वॉइस टैग किस तरह बनाते हो, लेकिन मैं बनाता हूँ पीसी से, लेकिन मैं सेम टू सेम जैसा पीसी से बनती है सेम टू सेम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से कैसी होती है। कुछ फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया, आप रिक्वेस्ट इस तरफ देख सकते हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, अपना फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मोबाइल को। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। मैं यहाँ प्ले स्टोर खोल लेता हूँ अपना। आपको यहाँ सिंपली सर्च करना होगा। देखिए मैंने पहले से सर्च करके रखा है टाइप एंड स्पीक, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेम टू सेम इस तरह का आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो मैंने तो डाउनलोड करके रखा है, और आपने नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास पीसी है तो आप यहाँ पे फ्लैश हो रही है मेरी एक वीडियो, तो आप वो वाले देख लीजिए। तो चलिए तत्काल मैं सिखा रहा हूँ मोबाइल से कैसी होती है पीसी जैसा, इसे ओपन करना है आपको। इसका इस एप्लीकेशन का आपको हम इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे पहले से कुछ और होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली इंडिया सेलेक्ट करना है, हिंदी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डीजे सूरज मिक्सिंग, ठीक है। उसके आपको बजा के सुना देता हूँ। डीजे सूरज मिक्सिंग पॉइंट, डीजे सूरज मिक्सिंग पॉइंट। आपको ये आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन का थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो थोड़ा कम आती है आवाज़, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, इससे आवाज़ भी बढ़ जाएगी। इसमें आपको इको इफेक्ट कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को पॉज नहीं करना है, पूरी देखिए। इसमें मैं आपको इफेक्ट लगाने के लिए सिखा रहा हूँ, इसे आपको काट देना है। दूसरी वाली एक एप्लीकेशन करना होगा आपको क्रॉस डीजे, या फिर आप दूसरी वाले से भी कर सकते हो। मैं तत्काल क्रॉस डीजे से करके दिखाता हूँ। आप क्रॉस डीजे के बारे में नहीं जानते हो तो क्रॉस डीजे का मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे डाउनलोड किया जाता है उसे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए मैं क्रॉस डीजे को ओपन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे इस टैब में प्लस पे क्लिक किया, तो यहाँ सर्च पे मैंने क्लिक किया, जो आप वॉइस टैग बनाए थे उसे आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी होगा आपको मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ मिल गई है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हो आपको इस ट्रैक में आ गई है, इसी में आपको इफेक्ट लगाना होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे आपको क्लिक करना है एफएक्स में। अगर इसमें क्लिक करने के बाद नीचे आना है, आपको डिले लगाना है तो डिले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे तला पे क्लिक करके यहाँ पे ला के छोड़ देना है, इसे बंद कर लीजिए, हल्का से नीचे कर दीजिए इसको। तो आप सुनिए, देख सकते हो बीच से इफेक्ट लगा दिया है। सेव कैसे करेंगे तो आपको पता ही है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो। इसे और भी इफेक्ट लगा सकते हो, यहाँ इफेक्ट में जाके इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। मेरे लिए डिले इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं इफेक्ट यही लगाता हूँ, बराबर सुन सकते हो। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया एक लिंक वीडियो का, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो वीडियो के, उस वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। इससे आगे का वीडियो मैं बनाऊँगा कि आप मिक्सिंग कैसे करोगे, डीजे मिक्सिंग, ये
जैसे कि और सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको मिक्सिंग सिखाई गई है, सिर्फ यही कोई इधर सॉन्ग लगाना है और इधर सॉन्ग लगाना है, लेकिन मैं सिखाऊंगा उसमें बेस हाई किक कैसे इस्तेमाल करके अपना खुद का सॉन्ग बनाएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए थोड़ा वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।